नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कमाओ और कमाने दो के नए एपिसोड में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे न्यू बिजनेस आइडिया के बारे में जिसमें आप सिर्फ 5,000 की मशीन खरीदकर रोज के 1500 से 2,000 रुपए कमा सकते हो। दोस्तों इस मशीन से जो प्रोडक्ट बनता है वो 10 से 12 रुपए में बनकर तैयार हो जाता है और मार्केट में 100 से लेकर 200 रुपए में आसानी से बिकता है। ये एक फूड बिजनेस आइडिया है। इसमें आपकी इनकम डिपेंड करेगी आपके लोकेशन के ऊपर। अगर आप ये बिजनेस ऐसे लोकेशन में शुरू करते हो जहाँ पे कस्टमर्स का वॉकिंग बहुत ज्यादा है तो आपका प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। लेकिन अगर आप ये बिजनेस ऐसे लोकेशन में शुरू करते हैं जहाँ पे कस्टमर्स का वॉकिंग थोड़ा कम है फिर भी आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं तो दोस्तों वो बिजनेस आइडिया वेफल्स मेकिंग बिजनेस, मतलब वेफल्स को बनाकर बेचने का बिजनेस। अगर आप नहीं जानते कि वेफल्स क्या होता है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इंडिया में नाश्ते में हम इडली, डोसा, वड़ा पाव, समोसा ये सब खाते हैं, वैसे फॉरेन कंट्रीज में वेफल्स को खाना पसंद करते हैं। इसको मीठा और तीखा दोनों तरीके से बनाया जा सकता है। तो दोस्तों पिछले कुछ सालों से इंडिया में भी लगातार इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, यहाँ के लोग भी इसे खाना पसंद करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा मार्केट में कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज है जो इस बिजनेस को कर रही है और वो अपनी फ्रेंचाइजी भी देती है। अगर आपके पास 6 लाख रुपए से लेकर 12 लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट करने के लिए है तो आप उनकी फ्रेंचाइजी ले सकते हो। लेकिन अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है और आप कम बजट में इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। जैसे कि इस बिजनेस की शुरुआत करने के लिए आपको कितनी मशीन्स खरीदनी होगी, कौन से रॉ मटेरियल्स की जरूरत होगी, वेफल्स को बनाया कैसे जाता है, इस बिजनेस से आप एक दिन में कितना कमा सकते हो, कौन से लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की जरूरत होगी, ऐसी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहिए। और आज की वीडियो के लाइक्स एंड कमेंट्स का टारगेट है सिर्फ और सिर्फ 1,000, तो अभी का भी लाइक कर दे और कमेंट बॉक्स में आपका नाम लिख दे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दे ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं वेफल्स बनाने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत होगी। वेफल्स को बनाकर बेचने के लिए आपको टोटल 9 चीजों की जरूरत होगी। सबसे पहला अंडा, दूसरा मैदा, तीसरा दूध या फिर आप छाछ का इस्तेमाल भी कर सकते हो, चौथा बटर, पांचवा शक्कर, छठा बेकिंग सोडा, सातवा बेकिंग पाउडर, आठवा नमक और नौवा वेनिला एक्सट्रैक्ट। तो दोस्तों ये सारी चीजें आपको आपके आसपास के किराना स्टोर में आसानी से मिल जाएगी, आप वहाँ से खरीद सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको टॉपिंग्स के लिए कुछ और भी चीजों की जरूरत होगी, जैसे कि चॉकलेट सिरप, चॉकलेट चिप्स, कैरेमल, हनी, ड्राई फ्रूट्स और भी ऐसी बहुत सारी चीजें। दोस्तों वेफल्स के ऊपर इनको लगाया जाता है, आप जैसा वेफल्स बनाकर बेचना चाहते हो वैसी टॉपिंग्स आपको खरीदनी होगी। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं वेफल्स बनाने के प्रोसेस के बारे में, वेफल्स को बनाया कैसे जाता है वो जान लेते हैं। सबसे पहले आपको जरूरत होगी बटर की, बटर को पिघला लीजिए, उसके बाद 3 अंडों को लेकर उनका सफेद भाग अलग बाउल में निकाल लीजिए और पीला भाग अलग बाउल में। फिर अंडे के सफेद भाग को मिक्सर में डालकर कुछ देर तक मिक्स होने के लिए छोड़ देना है। उसके बाद आपको जरूरत होगी 2 कप मैदे की, मैदे में आपको 2 चम्मच बेकिंग पाउडर डालना होगा और 1 चम्मच बेकिंग सोडा। उसके बाद आपको 1/2 चम्मच नमक डाल देना है और चारों चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आपके पास ये इक्विपमेंट अवेलेबल है तो इससे मिक्स कर सकते हैं, अदरवाइज आप नॉर्मल बाउल में भी चारों चीजों को मिक्स कर सकते हैं। उसके बाद आपको जरूरत होगी 2 कप छाछ की, अगर आप चाहें तो दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 200 छाछ को पिघले हुए बटर के अंदर डालना होगा, फिर 1 चम्मच वेनिला एक्सट्रैक्ट डाल दीजिए। उसके बाद अंडे के पीले भाग को छाछ और पिघले हुए बटर में डालना होगा और ऊपर से 1 चम्मच शक्कर डाल दीजिए और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद मिक्स हुए मैदे को इस मिश्रण में डाल दीजिए और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। फिर एक बड़ा बाउल लेकर सारी चीजों को बाउल में डाल दीजिए और ऊपर से अंडे के सफेद भाग को डाल दीजिए। दोस्तों अंडे के सफेद भाग को लगातार मिक्स करने से वो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वेफल को क्रिस्पी बनाने में मदद करता है। उसके बाद सारी चीजों को कुछ देर अच्छे से मिक्स कर लेना है और फाइनली वेफल का बैटर बनकर तैयार हो जाएगा। फिर इसे मशीन के ऊपर डालकर अच्छे से फैला देना है और मशीन को बंद कर देना है। 4-5 मिनट के बाद आपका वेफल बनकर तैयार हो जाएगा, इसे बाहर निकाल लीजिए और अलग अलग चीजों से टॉपिंग करके कस्टमर को सर्व कीजिए। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे वेफल्स बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होगी और इसे बनाया कैसे जाता है। दोस्तों हमने आपको एक बेसिक तरीका बताया है, वेफल्स को और भी कई तरीकों से बनाया जा सकता है। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं या यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं, आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस बिजनेस की शुरुआत करने के लिए आपको कौन सी मशीन खरीदनी होगी और मशीन के अलावा आपको किन किन चीजों की जरूरत होगी। दोस्तों वेफल मेकिंग बिजनेस की शुरुआत करने के लिए आपको 2 मशीन खरीदनी होगी। सबसे पहली मशीन वेफल मेकर मशीन, इस मशीन की मदद से वेफल को बनाया जाता है। दोस्तों मशीन आपको 1,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक मिल जाएगी। मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें 2 तरह की मशीन आती है, सबसे पहली डोमेस्टिक पर्पज के लिए और दूसरी कमर्शियल पर्पज के लिए। अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको कमर्शियल पर्पज वाली मशीन खरीदनी चाहिए।
दोस्तों ये मशीन 5000 रुपए में आसानी से मिल जाएगी और 4 से 5 मिनट में एक वेफल को बनाकर तैयार कर देती है, तो आपको यही मशीन खरीदनी चाहिए। और दोस्तों जो डोमेस्टिक पर्पस वाली मशीन आती है वो थोड़ी सस्ती आती है लेकिन उसका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं होता, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप उसे ना खरीदे। मैं दोनों मशीन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लिंक पे क्लिक करके खुद चेक कर सकते हैं। ये मशीन आपको अमेजोन और इंडिया मार्ट की वेबसाइट पे मिल जाएगी, आप जहां से चाहे वहां से खरीद सकते हैं। दूसरी मशीन हैंड मिक्सर मशीन, दोस्तों इस मशीन की मदद से आप मिक्सिंग का काम कर पाओगे। ये एक ऑप्शनल मशीन है, अगर आप चाहें तो खरीद सकते हैं, अगर आप नहीं खरीदना चाहें तो आप हाथ से भी मिक्सिंग का काम कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपको इस मशीन को खरीद लेना चाहिए क्योंकि ये मशीन आपका काम थोड़ा सा आसान कर देगी। ये मशीन आपको 500 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक मिल जाएगी, आप अपने बजट के हिसाब से खरीद सकते हैं। ये भी आपको अमेजोन और इंडिया मार्ट दोनों की वेबसाइट पे मिल जाएगी, आप कहीं से भी खरीद सकते हैं। तो दोस्तों इस बिजनेस की शुरुआत करने के लिए आपको सिर्फ इन दो मशीन की जरूरत होगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा सिर्फ मशीन खरीद कर आप इस बिजनेस की शुरुआत नहीं कर सकते, आपको कुछ और भी चीजों की जरूरत होगी जैसे कि काउंटर। अगर आप ये बिजनेस दुकान लेकर या फिर किसी दुकान के बाहर शुरू करना चाहते हैं तो आपको काउंटर की भी जरूरत होगी। काउंटर आपको 20000 रुपए से लेकर 25000 रुपए तक आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपका बजट थोड़ा कम है तो आप सेकंड हैंड काउंटर भी खरीद सकते हैं। सेकंड हैंड चीजें खरीदने के लिए OLX और क्विकर बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं, शायद आपको वहाँ पे मिल जाए। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सेकंड हैंड मशीन मत खरीदिए क्योंकि आपका पूरा बिजनेस डिपेंड करता है आपकी मशीन के ऊपर। अगर आपने गलती से कोई ऐसी मशीन खरीद ली जो बार बार खराब हो जाती है तो आपका बिजनेस सफर कर सकता है। तो दोस्तों सेकंड हैंड मशीन खरीदना अवॉइड कीजिए। काउंटर के बाद आपको कुछ और भी चीजों की जरूरत होगी जैसे कि कस्टमर्स को सर्व करने के लिए प्लेट, चाकू, डब्बे वगैरह वगैरह। इन चीजों को खरीदने के लिए भी आपको 4 से 5000 रुपए की जरूरत होगी। तो दोस्तों अगर हम टोटल करें तो आपको इस बिजनेस की शुरुआत करने के लिए 35 से 40000 रुपए की जरूरत होगी। इसके अलावा दोस्तों आपको 4 से 5000 रुपए का रॉ मटेरियल खरीदना होगा और कुछ पैसे सेफ साइड के लिए रखने होंगे ताकि कोई भी मुसीबत आ जाए तो आप उससे निपट सको। तो दोस्तों अगर आप वेफल मेकिंग बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 50000 रुपए होने चाहिए। दोस्तों मैं एक बार फिर से कहूंगा सिर्फ मशीन खरीद कर बिजनेस की शुरुआत नहीं की जा सकती। जब भी हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो उसके साथ एक्स्ट्रा खर्चे भी जुड़े होते हैं जिनके बारे में कोई बात नहीं करता, पर हमारी कोशिश यही रहती है कि हर बिजनेस के बारे में हम आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन दे सके। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट कैलकुलेशन के बारे में, आप एक दिन में इस बिजनेस से कितना कमा सकते हैं वो जान लेते हैं। दोस्तों वेफल्स बनाते वक्त हमने जिस मात्रा में सारी चीजें बताई थी उतने में 4 से 5 वेफल्स बनकर तैयार हो जाएंगे, तो हम कैलकुलेशन भी उसी के हिसाब से करेंगे। 3 अंडों के लिए आपको खर्च करना होगा 15 से 20 रुपया, 2 कप मैदे का प्राइस होगा मैक्सिमम 15 रुपया, 2 कप छाछ आपको मिल जाएगी 10 रुपए में, बटर का हम पकड़ लेते हैं 15 रुपया, 1 चम्मच वेनिला एक्सट्रैक्ट का प्राइस होगा मैक्सिमम 5 रुपया, नमक, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और शक्कर का हम पकड़ लेते हैं ज्यादा से ज्यादा 5 रुपया। अगर हम कैलकुलेट करें तो टोटल आएगा 70 रुपया, मतलब 70 रुपये में कम से कम 5 वेफल्स बनकर तैयार हो जाएंगे। एक वेफल का प्राइस पड़ेगा 14 रुपया, 5 से 6 रुपया हम पकड़ लेते हैं टॉपिंग्स का, तो 20 रुपये में एक वेफल बनकर तैयार हो जाएगा। दोस्तों ये मार्केट में 100 रुपए से लेकर 200 रुपए तक बिकता है, अगर आप चेक करना चाहें तो अपने आसपास के स्टोर में विजिट कर सकते हैं या फिर इंटरनेट पे भी चेक कर सकते हैं। 20 रुपए की चीज को अगर आप 50 रुपए से लेकर 100 रुपए में बेचते हैं तो आपको 100% से भी ज्यादा का मुनाफा होगा। मान के चलते हैं आप 50 रुपए में बेचते हैं तो पर वेफल पर आपको 30 रुपए का प्रॉफिट होगा। अगर आप दिन में 50 वेफल भी बेच देते हैं तो आपका प्रॉफिट होगा 1500 रुपया। आप वेफल्स को अलग अलग फ्लेवर्स के हिसाब से बेच सकते हैं जिससे आपका मुनाफा और भी ज्यादा हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस बिजनेस की शुरुआत करने के लिए आपको किन किन लाइसेंस की जरूरत होगी और कहां कहां रजिस्ट्रेशन करना होगा। दोस्तों अगर आप ये बिजनेस दुकान लेकर शुरू करते हैं तो आपको 2 लाइसेंस लेने होंगे। सबसे पहला लाइसेंस ट्रेड लाइसेंस, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं अपने लोकल म्युनिसिपल अथॉरिटी के पास, और दूसरा लाइसेंस फूड ऑपरेटर लाइसेंस, जिसको FSSAI लाइसेंस भी कहते हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी हम फूड से रिलेटेड कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं तो हमें इस लाइसेंस को लेना पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों आपको अपनी कंपनी को रजिस्टर करना होगा। कंपनी रजिस्ट्रेशन करने का फायदा ये होगा कि अगर आप अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट आसानी से मिल सकता है, और जब आपका बिजनेस बढ़ने लगे तो आप GST रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो और ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हो। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं मार्केटिंग के बारे में, क्योंकि जब तक बिकेगा नहीं प्रॉफिट दिखेगा नहीं। मैं आपको 3 तरीके बताने वाला हूँ। सबसे पहला तरीका, आप जहाँ कहीं भी ये बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उसके आसपास में पैम्फलेट बटा दीजिए। दोस्तों ये तरीका बहुत ही पुराना तरीका है लेकिन काम करता है, आपको इनिशियली इस तरीके से कस्टमर्स मिल सकते हैं। आपको सिर्फ अपने आसपास के न्यूज़पेपर वाले को पकड़ना होगा, उसको पैम्फलेट देनी होगी, वो आपके आसपास में जितने भी लोग होंगे उन सबको पैम्फलेट बंटवा देगा। दूसरा तरीका, आप एक ऑडियो रिकॉर्ड करवा सकते हैं और अपने दुकान के बाहर या फिर काउंटर के बाहर उस ऑडियो को बार बार प्ले करवा सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे वड़ा पाव वाले, समोसा वाले
इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए, तो आप भी इस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हो। इसका फायदा ये होगा कि जब भी कस्टमर आपके काउंटर या दुकान के सामने से गुजरेगा, बार बार उसके दिमाग में वो ऑडियो गूंजते रहेगा और एक ना एक बार तो कस्टमर आपके पास आएगा और आपका वेफर जरूर खाएगा। तीसरा तरीका, आप डिजिटल मार्केटिंग का इस्तेमाल करके अपने ब्रांड को प्रमोट कर सकते हो। आपको फेसबुक और गूगल पे एड चलाना होगा। दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग का फायदा ये होता है कि आप ऑडियंस को अपने हिसाब से टारगेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप जहां कहीं भी ये बिजनेस शुरू करते हैं उसके आसपास में जितने भी लोग रहते हैं सिर्फ उन्हीं को ही आपका एड दिखाई देगा, जिससे फायदा ये होगा कि आपका कन्वर्जन का रेट बढ़ जाता है। तो दोस्तों इन तीन तरीकों का इस्तेमाल करके आप इनिशियली कस्टमर्स पा सकते हो। लेकिन दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इस बिजनेस को या किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले अपने आसपास के लोकल मार्केट में रिसर्च कर लीजिए। आप ये देख लीजिए कि जो भी प्रोडक्ट आप बेचना चाहते हैं क्या उस प्रोडक्ट को खरीदने वाले लोग अवेलेबल है कि नहीं, क्योंकि अगर प्रोडक्ट को खरीदने वाले लोग ही अवेलेबल नहीं होंगे तो आपका बिजनेस नहीं चल पाएगा। तो दोस्तों इस बिजनेस को शुरू करने से पहले पूरी प्लानिंग कर लीजिए। अगर आप प्लानिंग करके बिजनेस शुरू करते हैं तो आपके सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिए, हम उसका जवाब जरूर देंगे। और इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए जो खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या फिर शुरू करने की सोच रहे हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाजू में जो बेल आइकन उसे भी दबा दीजिए ताकि हम जब भी नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ नए कमाने के तरीकों के साथ।